26 जनवरी आने वाली है और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं, उसको लेकर के तैयारियां और लोग रिहर्सल कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजरतगंज में रिहर्सल जारी है। आने वाले 3 दिनों तक ये कुछ छात्र और सैनिक, साथ ही साथ यूपी पुलिस समेत तमाम लोग जो है रिहर्सल कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार ये स्कूली बच्चे हैं अलग अलग कॉलेजों का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना शौर्य दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सैनिक अपना शौर्य दिखा रहे हैं उसी तरीके से स्कूली बच्चे भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं लगातार 26 जनवरी को लेकर के अपना वो प्रतिभाग कर रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पर विधानसभा के बाहर अपना रिहर्सल कर रहे हैं और इसी को देखते हुए हजरतगंज में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूली बच्चे, कितनी मुस्कान है इनके चेहरे पर आने वाले महापर्व यानी 26 जनवरी को लेकर के। बच्चों के चेहरे पर खुशी है और इसको तैयारियों को लेकर के लोग इतना उत्साहित हैं 26 जनवरी मनाने के लिए। आप देख सकते हैं रिहर्सल किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए यूपी पुलिस के लोग हैं और अपना शौर्य दिखाने के लिए किस तरीके से लोग रिहर्सल कर रहे हैं, आने वाले 26 जनवरी को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। सबके चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, लोग एक्साइटेड हैं 26 जनवरी को लेकर के। ये आप देख सकते हैं श्वान बल है और इसी के साथ तमाम सेना अपनी जो है अपना शौर्य अपना पराक्रम दिखाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें सौन किस तरीके से बाहर देख रहा है, बम निरोधक दस्ता है, किस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना शौर्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी फायर, तमाम सेना है, यूपी पुलिस से लेकर के और एसटीएफ एटीएस सारी लोग अपनी तैयारियों में लेकर के जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं फायर सर्विस, ये भी अपना शौर्य अपना पराक्रम दिखा रहा है आने वाले 26 जनवरी को लेकर के, किस तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं ये लोग। इसी के साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं और कई लोग जो हैं अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं 26 जनवरी को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरीके से शौर्य अपना दिखा रहे हैं, इसको देखने के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं जो है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से अपना शौर्य दिखा रहे हैं, ये रिहर्सल चालू है। देख सकते हैं एक रॉयल इनफील्ड पर 5-5 लोग और ये आप देख सकते हैं जो देखने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, ये रॉयल इनफील्ड के ऊपर जो करतब दिखा रहे हैं लोग, इससे लोग काफ़ी जो है पसंद करते हैं और ये तैयारियां कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। होमगार्ड बल है, ये आप देख सकते हैं उसकेट बल लिखा हुआ है इस पर। और इसी के साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो झाड़ू लेकर के यानी स्वच्छता अभियान को संदेश देना चाह रहे हैं। ये आ गई है, उसको लेकर के रिहर्सल चल रहा है। आप किस स्कूल से हैं? हम श्रीराम अकेडमी से हैं, ये सीतापुर रोड पे है जी। और किस तरीके से तैयारियां चल रही है इस बार, क्या कुछ खास होने वाला है? वैसे तो हर ईयर खास ही होता है, आज कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन हम लोगों की परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम है तो हम लोग अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, सिलेक्शन के लिए भी और फाइनल के लिए। किस तरीके से प्रोग्राम बच्चे करने वाले हैं? भारत के ऊपर ही है, जैसा आप जानते हैं गणतंत्र दिवस पे है तो हमारी थीम भी यही है उसके लिए, गणतंत्र दिवस के लिए। बच्चों में कितना एक्साइटमेंट दिख रहा है? बहुत ज़्यादा, इतने एक्सट्रीम वेदर में भी वो सुबह 6 o'clock स्कूल में रिपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 4th-5th स्टूडेंट्स हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन सब और पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इसके। अच्छा, टीचरों में इसको लेकर कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सिखाया भी है और यहाँ पर लेकर भी आए हैं, तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वो हैं एक्साइटेड। आपको भी और थैंक यू सो मच। लोग इतना उत्साहित हैं 26 जनवरी मनाने के लिए और इसकी एक झलक आप देख भी चुके हैं कि बच्चों के अंदर कितनी खुशी है, उत्साह है, इसको लेकर के एक्साइटेड हैं और आने वाले 26 जनवरी में और अच्छा बेहतर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नितिन त्रिवेदी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।